अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुत्ते जो जमीन को खोदते हैं उसके सॉल्यूशन के बारे में। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कुत्ते क्यों खोदते हैं, उसकी रीजन हमने बताई थी। उसमें वो अपने शिकार की जबिलत की वजह से खोद सकते हैं जमीन को, या फिर बहुत सारी रीजंस हैं। तो ये जानना कुत्ते क्यों खोद रहे हैं तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहले आपने करना यह है कि आपने ऑब्जर्व करना अपने डॉग को कि वो किस वजह से खोद रहा है किसी जमीन को, किसी जगह को। वो बोर हो रहा है क्या, वो शिकार को छुपाने के लिए कर रहा है, या फिर अपना खाना छुपाने के लिए खोद रहा है, या अपने लिए महफूज पनागाह बनाने के लिए जमीन को खोद रहा है। इसके बाद आप ये देखें कि आपके डॉग में क्या इतनी ज्यादा एनर्जी है, क्या उसकी वो एनर्जी उस तरीके से ड्रेन हो रही है जिस तरीके से ड्रेन होनी चाहिए। डिफरेंट ब्रीड के लिए डिफरेंट एक्सरसाइज होती हैं, जैसे वो आप प्ले टाइम क्या प्रॉपर दे रहे हैं, क्या उनके साथ आप फेच खेल रहे हैं, या फिर आप क्या उनको प्रॉपर वॉक पर लेके जा रहे हैं, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग सेशन करवा रहे हैं। आप इनकी ट्रेनिंग सेशन भी कराते हैं तब भी उससे भी उसकी एनर्जी काफी हद तक ड्रेन हो जाती है। इसके बाद अपने डॉग को सुपरवाइज करें और उसे रीडायरेक्ट करें। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देख रहे हैं आपका डॉग जो है वो डिगिंग कर रहा है, तो आप उसको रीडायरेक्ट कर सकते हैं उस वक्त, और उसे उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज दे सकते हैं। जैसे आप उसके साथ फेच गेम खेल सकते हैं, या कोई ऐसे खिलौने दे सकते हैं उसके चबाने के लायक हो, या उसे आप वॉक पर या एक्सरसाइज कोई भी एक्सरसाइज उसे करा सकते हैं। इस तरीके से आप उसकी सुपरविजन करते हुए आप उसको रीडायरेक्ट कर दें कि आप उसको एक पॉजिटिव बिहेवियर की तरफ ले जाएं ताकि वो आपकी कमांड सुने। इसके बाद ये भी कर सकते हैं कि आप अपने डॉग के लिए जिस माहौल में है उस माहौल में तरमीम करें। फॉर एग्जांपल अगर वो अपने खाने को छुपाने के लिए या फिर अपने जेर जमीन खाने को निकालने के लिए पौधे के पास में या गार्डन में या किसी भी जगह पर वो खुदाई कर रहा है, उस जगह पर आप उस जगह को आप छोटे छोटे पत्थरों से कवर कर सकते हैं, या फिर उस जगह पर आप कांटे भी रख सकते हैं। इससे उस डॉग की जो है वहां पर पहुंच जो है वो कम हो जाएगी और वो उस जगह पर डिग नहीं करेगा। इसके अलावा अगर चाहें, लेकिन हम इसे रिकमेंड नहीं करते कि इसकी आदत खत्म करनी है क्योंकि हमें खुदाई करने की, तो हम अगर आप चाहते हैं कि आपका डॉग जो है वो अपनी एनर्जी निकालने के लिए डिगिंग करता है, आप उसको अलाउ करना चाह रहे हैं, तो अपने घर के अंदर कोई ऐसा कोना या ऐसी जगह मखसूस कर दें, वहां पर ऐसी मिट्टी रख दें जहां पे वो इसको अपना खेल समझ सके, बाकी जगहों पर वो डिग ना करे। सिर्फ वो एरिया, पर्टिकुलर एरिया उसको फिर आप वहां पर अलाउ कर सकते हैं, लेकिन हम इस चीज को रिकमेंड नहीं करते। अगर आपने इन तमाम चीजों के बावजूद आपने जो हमने पॉइंट्स बताए इसमें आपने इसकी एनर्जी को ड्रेन करना हो गया, इसकी रीडायरेक्शन सुपरविजन और रीडायरेक्शन कर दी, या फिर उसको प्ले टाइम पूरा दे दिया, या फिर तमाम चीजों को करने के बावजूद भी अगर आप देख रहे हैं कि आपका डॉग जो है वो अब भी डिगिंग कर रहा है, तो आप प्रोफेशनल ट्रेनर से या फिर उसके डॉग के बिहेवियर स्पेशलिस्ट से बात करने में बिल्कुल भी ना ऐतराएं, उसकी मदद लेने में बिल्कुल भी ना ऐतराएं। सकता है आप कहीं ना कहीं कोई चीज मिस कर रहे हो जो कि आपका ट्रेनर या फिर एक प्रोफेशनल स्पेशलिस्ट जो है बिहेवियर स्पेशलिस्ट वो उस चीज को बेहतर तरीके से सॉल्व कर दें और आपका ये जो मसला जो आपके डॉग डिगिंग कर रहा है ये हो जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको इस तरीके की मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियो दी रहे।